भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देख लेना। आज बहुत से जिलों की प्रमोशन लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, नाम बताएंगे किन किन बहनों का उसमें नाम आया है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड भी एक पोस्ट आई है। यहां पर मनोज कुमार मौर्य हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ के, और उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग आजमगढ़ द्वारा 23 परियोजनाओं के अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका और मिनी इनके पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 23/7/2021 थी। चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके अभ्यर्थी एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात जो सहायिकाएं हैं, इन्होंने आवेदन जो ऑनलाइन किए थे, समस्त आवेदक दिनांक 25/11/2021 से, यानी कल 25 तारीख थी, और कल से दिनांक 9/12/2021 यानी 9 दिसंबर तक जिला कार्यक्रम कार्यालय विकास भवन आजमगढ़ के कक्ष संख्या 403 और 408, इनमें कार्यालय समय 10 बजे से 5 बजे के बीच में अपने ऑनलाइन आवेदक पत्र की फोटोकॉपी एवं मूल जो अभिलेख हैं उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होकर के जांच करवाएंगे। तो सत्यापन के लिए आजमगढ़ में जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य जी ने कहा है। तो जो भी भाई बहन आजमगढ़ से आते हैं, ध्यान देना, अगर आपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपका जो भी ऑनलाइन आवेदन वाली एक जो प्रिंट निकली थी वो, और साथ ही साथ आपका जितना ऑनलाइन करते वक्त जो अभिलेख लगे थे, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया, जो जो आपने लगाया है, वो सबकी एक एक फोटोकॉपी, उस पर अपने हस्ताक्षर कर लेना यानी स्वप्रमाणित कर लेना, उसके बाद में वहां पर चले जाना। मैं परियोजनाओं के नाम बता रहा हूं और सत्यापन की जो तिथि लगी है उनको भी आपको बता रहा हूं। महाराजगंज है, बिलरियागंज है, हरैया है और आपका अजमतगढ़ है। इन परियोजनाओं में 25 तारीख को यानी 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 29 नवंबर, इनमें कार्यकर्ती मिनी और सहायिकाओं का जो है आप लोग जाकर के अपना जो सत्यापन करवा सकते हैं। शहर जो है और रानी की सराय है, जहानागंज है, सठियाओं है और पलहनी है, इनमें 25, 26, 27, 29 इन तारीखों में आप जाकर के सत्यापन करवाएंगे। अतरौलिया है, कोयलसा है, अहिरौला है, इसमें 30 नवंबर से लेकर के 1 और 2 दिसंबर तक कार्यकर्ती सहायिका अपना अभिलेखों का सत्यापन करवाएंगी। फूलपुर्व है और यहाँ पर पवई है, इनमें 30 नवंबर से 1 और 2 दिसंबर तक अपना ये कार्यकर्ती बहने सत्यापन करवाएंगी। और यहाँ पर तहबरपुर है और मुहम्मदपुर है और मिर्जापुर है, ये परियोजनाएं हैं आपके यहाँ आजमगढ़ की। तो इनमें 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर इनमें सत्यापन होगा। मार्टिनगंज और यहाँ पर ठेकमा है, इसमें 103 और यहां पर 103 लिख दिया गया, क्योंकि यहां पर गलत लिखा गया है। यहां पर 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख दिसंबर महीने की दी गई है, इनमें सत्यापन होगा। लालगंज है, तरवा है, इनमें 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को यहां पर होगा। मेहनगर वगैरह पड़ता है और पलना पड़ता है, यहां पर 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो इस तरह से दिसंबर में 10 तारीख तक सारी चीजें हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, लिखा गया है कि अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मिलने यानी मिलान ना पाने के कारण दिनांक जो है 13 दिसंबर को मिलान किया जाएगा। इसके उपरांत कोई अंतिम जो है अग्रिम तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। तो लास्ट स्टेज पर हो आप लोग, अपना सत्यापन करवा लेना, भूलिएगा नहीं। अगर भूल जाएंगी तो फिर 13 तारीख के बाद में कोई भी विचार नहीं होगा, अगर आप सत्यापन के लिए सोचेंगी भी तो। आप लोग थोड़ा ध्यान देना, और एक बहुत जरूरी जानकारी मैंने स्टार्टिंग में आप सबको दी है। आगे देखिएगा, सलमा भी बहन साजापुर से आती है और साजापुर में आपको बता दें, साजापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 25 तारीख को हमारी बहने वहां पर जाकर के उनकी गाड़ी को रोका है, और 6 कार्यकर्ता बहनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों में अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन यहां पर थमाया है। ये वहीं से एक फोटो बहनों की आई हुई है, तो आप यहां पे देख सकते हो, ये तस्वीरें साजापुर से आ रही हैं, सलमा भी बहन ने जो है भेजी है। अब इनके अलावा और भी खबरें हैं, लेकिन जो भाई बहन डेली वीडियो नहीं देखते हैं सुबह दोपहर शाम, वो फिर जानकारी उनको मिल नहीं पाती और फिर वो बेकार के सवाल फिर करते रहते हैं, जो कि मुझे पर्सनल एक एक बहन को अलग से वही चीजें
बता पाना ये मेरे लिए संभव नहीं होता है। अगर संभव होता तो मैं बता देता। आप जानते हो इतनी सैकड़ों हजारों की संख्या में बहने हैं, क्या एक एक को ये चीजें बता पाना ये संभव है? ये नहीं संभव। इसीलिए मैं कहता हूं सुबह दोपहर शाम टाइम निकालो, खबरें देखो और सारी जानकारी अपनी हासिल करो। अब देखिएगा यहां पर गोपालगंज में समाहरणालय से एक लेटर जारी हुआ, जैसा कि आपको सूचित कर रहे हैं आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस भी है। और साथ ही साथ आपको बता दे नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर विभागीय निर्देशानुसार सभी पदाधिकारी और कर्मचारी इनको 26 नवंबर आज के दिन अवसर जो है यहां पर 11 बजे गोपालगंज जिला अंतर्गत सभी कार्यालय में यहां पर शपथ दिलाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां पर शपथ वपथ दिलाई जाएगी शराबियों को शराब छुड़वाने को लेकर के, नशा मुक्ति अभियान चलेगा। इसमें आप देख सकते हो ये रहा, यहां पर देखिएगा एक 23 तारीख को लेटर निकला है अपर मुख्य सचिव का बिहार पटना से, सभी जो है समाहर्ता वगैरह को भेजा गया है यहां पर मद्य निषेध दिवस के कार्यान्वयन के संबंध में। तो यहां पे बोला गया जो भी कर्मचारी हैं वो सब भाग लेंगे। यहां यह ध्यान रखना होगा कि नशा मुक्ति दिवस का एक केंद्रीय कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ज्ञान भवन पटना में दिनांक 26 तारीख आज के दिन 11:30 बजे आयोजित किया जा रहा है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने की व्यवस्था बेल्ट्रान के माध्यम से कराई जा रही है। तो लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम रहेगा और इसको सभी लोग देख पाएंगे। जिस समय ज्ञान भवन में शपथ ग्रहण हो रही हो उसी समय आप लोग भी शपथ ग्रहण करें, इसके बारे में बोला जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े और यहां पर यह सब बोला गया है। तो आप यहां पर देख सकते हो जो भी आंगनबाड़ी बहनें बिहार से आती हैं ध्यान देना, आपके वहां नशा मुक्ति को लेकर के आज जो है प्रोग्राम चलेगा। बाकी जो है संविधान दिवस के अवसर पर जो जो बताना था वो मैं सुबह वाले वीडियो में आप को बता चुका हूं। उम्मीद है आप सबने अपने वहां केंद्रों में इस तरह से मनाया होगा और चीजों को बताया होगा जैसा कि मैंने समझाया था। अब देखिएगा समाहरणालय गोपालगंज से भी यही नशा मुक्ति को लेकर कि ये एक लेटर और जारी हुआ और वही चीजें हैं जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो 26 तारीख आज 11:30 बजे से यह प्रोग्राम बिहार में होने वाला है। इसके अलावा यहां पर राधा कुमारी बहन जो गोपालगंज से आती है और गोपालगंज से उन्होंने एक जानकारी मुझको भेजी है, बहन को धन्यवाद। इनके अलावा बात करते हैं विधानसभा चुनाव जो है यहां पर बोला जा रहा है कि बाद में फिर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो इसके बारे में अभी 100% जो है इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, यानी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन ये अखबार में निकला है अमर उजाला ब्यूरो में। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि विधानसभा चुनाव बाद होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं। आयशा बेगम बहन साहबगंज से आती है, उन्होंने इस जानकारी को भेजा है। प्री बोर्ड जनवरी से पहले सप्ताह में कराने का प्रस्ताव बोल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 2022 का जो आयोजन है विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाएगा। वहीं हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी से पहले सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2022 के लिए करीब 55 लाख से अधिक नियमित और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। प्रदेश में 2018 से बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित कराई जा रही है, लेकिन 2022 में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण विद्यालयों में मतदान केंद्र बनाए जाने हैं और शिक्षकों के बीएलओ नियुक्ति होने के साथ प्रशासनिक और पुलिस तंत्र भी चुनाव में व्यस्त रहेगा। ऐसे में चुनाव अवधि के दौरान बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है। शासन में जो है बोर्ड परीक्षा चुनाव के बाद ही कराने का यहां पर सैद्धांतिक सहमति वहां पर बनी है, और जबकि प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित करा ली जाएंगी। तो ये चीजें हैं, आप देखिएगा। अब बात करते हैं यहां पर प्रमोशन की लिस्ट के बारे में। मैंने कहा है कि कई जिलों से प्रमोशन लिस्ट इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप यहां पर देखिएगा जनरल प्रमोशन लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं हाथरस जिले की। तो हाथरस जिले में कुछ नाम मैं बता रहा हूं, कृपया ध्यान देना। तो हाथरस वगैरह जो भी ग्रामीण वगैरह होगा जो भी होगा ग्राम जो यहां पर लिखा हुआ मिथिलेश बहन है सियाराम जो इनके रिलेटिव है 1110 अंक बनते हैं, और हाथरस ग्राम वगैरह से आती हैं पुष्पा देवी राम बाबू जो यहां पर सुमन उनके रिलेटिव हैं 1210 अंक बनते हैं। हाथरस ग्राम से आती हैं यहां पर जो है मैनवती और यहां पर जो है यहां पर हरीश चंद्र इनके रिलेटिव हैं 3222 अंक बनते हैं। हाथरस ग्राम से आती हैं राधा रानी दिनेश कुमार शर्मा इनके रिलेटिव हैं 2210 अंक बनते हैं जो यहां पर, और एक परियोजना पड़ती है ससनी जहां से आती हैं बसना रानी लिखा हुआ है, और यहां पर शिव कुमार सिंह इनके रिलेटिव हैं 2211 अंक बनता है। हाथरस ग्राम से आती हैं यहां पर साहिन सुल्ताना और जो कि जकीर हुसैन इनके रिलेटिव हैं 2210 अंक बनते हैं, और यहां पर हसायन वगैरह कुछ परियोजना पड़ती है सर्वेश कुमारी बहन है अशोक कुमार रिलेटिव हैं 3111 अंक बनते हैं, और जो है ससनी परियोजना है सर्वेश कुमारी बहन है सुधीर कुमार सिंह रिलेटिव हैं 2111 अंक बनता है। हाथरस ग्राम से आती हैं यहां पर निर्दोष चौहान और यहां पर रामवीर चौहान इनके रिलेटिव हैं 2211 अंक बनता है। हाथरस ग्राम से आती हैं मनोरमा देवी राज जो है राज
राजकुमार सिंह वगैरह जो रिलेटिव हैं, 2211 अंक बनता है। ससनी से आती हैं यहाँ पर तारावती, और यहाँ पर सुधीर कुमार जो उपाध्याय रिलेटिव हैं, 2212 अंक इस तरह से इनके बनते हैं। तो हाथरस जिले में कुछ इतनी परियोजनाओं के यहाँ पर नाम आए हैं। देखो कुछ परियोजनाओं में कुछ जिलों में पहले ही सत्यापन कराए जा चुके हैं, तो यहाँ पर जहाँ सत्यापन पहले हो गए थे शायद इसीलिए इस बार उन जिलों के नाम नहीं आए हैं, और जिन जिलों में भी कुछ परियोजनाओं के नाम भी नहीं आए हैं, तो हो सकता है वहां पर प्रमोशन के लिए जो सत्यापन था वो पहले ही हो गया था, इसीलिए इन वाली लिस्टों में उन बहनों के नाम देखने को नहीं मिले, क्योंकि बहुत सी परियोजनाओं से बहनों के नाम यहां पर छूटे हैं। यह भी यहां पर एक मैटर हो सकता है, क्योंकि एक बहन ने कहा था कि उनके वहां प्रमोशन सॉरी सत्यापन पहले भी हो चुका, और मैं लेटर पहले भी दिखा चुका हूं, काफी जगह सत्यापन पहले हो चुके थे, तो यह भी हो सकता है कि विभाग वाले इसीलिए कम नाम उन्होंने भेजे हों। जहां जहां सत्यापन नहीं हुआ है वहीं वहीं के लिए जिलों वाइज जो है सूचना आई है, और जिलों में उतनी ही परियोजनाओं के लिए नाम दिए गए हैं। खैर, कमलेश बहन हाथरस से आती है और यहां पर उन्होंने इस जानकारी को भेजा था, बहन को धन्यवाद। इसके अलावा अगली जो है बहन एक है, उन्होंने जानकारी भेजी है, इन्होंने बिजनौर वगैरह से जानकारी भेजी। बिजनौर में जो है कुछ परियोजनाओं के नाम है, बहनों के नाम आए हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा परियोजना पड़ती है खरी वगैरह झालू, ऐसे लिखा हुआ है, और यहां पर सहाना परवीन बहन है और मलिक मोहम्मद जी इनके रिलेटिव हैं, 2332 अंक बनते हैं। उसके बाद में यहां पर नूरपुर परियोजना है, आशा देवी बहन है, राकेश कुमार रिलेटिव है, 2222 और 2 इस तरह से अंक बनते हैं। नूरपुर परियोजना है, संतोष देवी बहन है, हरिओम सिंह रिलेटिव है, 2322 अंक बनते हैं। नजीबाबाद परियोजना है, संजू देवी बहन है और यहां पर सुभाष चंद्र रिलेटिव है, 2222 अंक बनते हैं। नूरपुर से आती है रीता चौरसिया और जयपाल सिंह रिलेटिव है, 2322 अंक बनते हैं। और यहां पर अफजलगढ़ वगैरह पड़ता होगा परियोजना, मंजू बहन है और यहाँ पर प्रभु सिंह इनके रिलेटिव हैं और 2222 अंक बनते हैं। नूरपुर से आती हैं सरोज शर्मा बहन और यहाँ पर आप देखिएगा भानु प्रकाश जो रिलेटिव हैं, 2233 अंक बनते हैं। और नजीबाबाद से आती हैं राधा बहन और यहाँ पर छमन लाल जो रिलेटिव हैं और यहाँ पर 2223 अंक बनते हैं। नजीबाबाद से आती हैं सुमन जो है यहाँ पर हौदरिया ऐसे पता नहीं क्या लिखा, सुमन बहन है और राजेंद्र सिंह इनके रिलेटिव हैं, 2233 अंक बनते हैं। नूरपुर से आती हैं कीर्ति जो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बरम सिंह लिखा हुआ है रिलेटिव हैं और 2230 अंक बनते हैं। नूरपुर से आती है नीता देवी, शैलेंद्र कुमार रिलेटिव हैं, 2320 अंक बनते हैं। नूरपुर से आती हैं कमलेश बहन, साई राम इनके रिलेटिव सॉरी श्री राम रिलेटिव हैं, 3233 अंक बनते हैं। नजीबाबाद से आती है मंजू रानी और यहाँ पर महावीर सिंह जो है यहाँ पर रोहिला इनके रिलेटिव हैं, 2232 अंक बनते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं और भी आपको दिखानी है इसमें ये वाले मैटर को, गजला परवीन बहन जो बिजनौर से आती है उन्होंने भेजा था। और इनके अलावा आप देखिएगा बांदा जिले की भी प्रमोशन लिस्ट आपको इसी लगे हाथ दिखाते हैं। बांदा में आप देखिएगा यहाँ पर जो है नारायणी सात परियोजना है जहां से सुनीता देवी बहन है और बलराम जो है बहन के रिलेटिव हैं, 2221 अंक बनता है। इनके अलावा महुआ परियोजना है और विद्या देवी बहन है और यहाँ पर ब्रिजगोपाल रिलेटिव हैं, 2200 अंक बनते हैं। महुआ परियोजना में रमा त्रिपाठी बहन है और यहाँ पर प्रतीत कुमार जो है रिलेटिव हैं और 1210 अंक बनते हैं। और बिसंडा वगैरह परियोजना है, राजेश कुमारी बहन है, राजेंद्र सिंह रिलेटिव हैं, 2321 अंक बनता है। महुआ परियोजना से आशा देवी आती हैं और यहाँ पर चन्नू लाल जो भी गुप्ता है या जो भी हो तो यहाँ पर 2200 अंक बनते हैं। और इनके अलावा फिर है महुआ परियोजना से सुनैना बहन और कमल किशोर रिलेटिव हैं और 2000 अंक बनते हैं। और महुआ परियोजना से आती हैं सावित्री देवी और यहाँ पर या उधुआ प्रसाद जो भी ऐसे जो भी यहाँ पर लिखा हो ऐसे ही नाम यहाँ पर शायद गलत लिखा होगा तो 2000 ऐसे अंक बनते हैं। और मधुआ परियोजना से आती हैं यहाँ पर हीराबाई और यहाँ पर चुन्नी लाल जो भी कोरी लिखा हुआ है तो ये जो है वहाँ पर उनके रिलेटिव हैं, 2200 अंक बनते हैं। और महुआ वगैरह से आती हैं कृष्णा देवी, ज्ञान चंद्र गुप्ता रिलेटिव हैं, 3230 अंक बनते हैं। और इसी तरह से आपका बदोखर वगैरह कुछ और भी लिखा हुआ है, उषा देवी, राम जो है हरिद्या जो भी हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट भी लिख करके आती हैं लिस्ट में, 1223 अंक बनते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर नारायणी वगैरह से आती हैं रश्मि शर्मा बहन, राजकरण वगैरह रिलेटिव हैं और 1120 अंक बनते हैं। नारायणी परियोजना से आती हैं राजकुमारी, रामस्वरूप जो है रिलेटिव हैं और जो यहाँ पर आप देखिएगा 2223 अंक बनते हैं। और नारायणी परियोजना से आती हैं प्रेमलता और यहाँ पर कमल प्रसाद रिलेटिव हैं, 3222 अंक बनते हैं। महुआ परियोजना से आती है सुनीता और यहाँ पर सीवन जो भी होंगे वो उनके रिलेटिव हैं, 2300 अंक बनते हैं। नारायणी परियोजना से आती हैं यहाँ पर जुलेखा बानो और अली हुसैन रिलेटिव हैं, 1210 अंक बनते हैं। नारायणी परियोजना से आती हैं जैतून अब्दुल जो है रिलेटिव हैं और 2223 अंक बनते हैं। नारायणी परियोजना से आती हैं राजबाई और रामपति और यहाँ पर देखिएगा रिलेटिव हैं, 2232 अंक बनते हैं।
और नरेनी परियोजना से आती हैं राम जानकी। राम जो है यहाँ पर नरेश रिलेटिव हैं और 2310 अंक बनते हैं। बिसंडा वगैरह से आती हैं सुमन लता सिंह। और देखिएगा यहाँ पर राम जो है मूर्ति पटेल ऐसे कुछ लिखा हुआ, राम मूर्त पटेल लिखा हुआ है और 2323 अंक बनते हैं। नरेनी से आती हैं कमलेश देवी। राम जो है सुहावन इनके रिलेटिव हैं, 2120 अंक बनते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भदोकर कुछ ऐसे परियोजना होगी। सोना देवी यहाँ से ऊपर है, पहले कुंती देवी और यहाँ पर बद्री विशाल जो है उनके रिलेटिव है, 1300 अंक है। और फिर यहाँ पर वो महुआ परियोजना से थी और बदोकर वगैरह से आती हैं सुनी देवी और विष्णु कुमार इनके रिलेटिव हैं और 1230 अंक बनते हैं। नरेनी परियोजना से गीता देवी हैं, राम प्रकाश इनके रिलेटिव हैं, 1230 अंक बनते हैं। सिटी से आती हैं मीनाक्षी देवी, इंद्रा देवी इंद्रदेव सिंह इनके रिलेटिव हैं, 2220 अंक बनते हैं। नरेनी से आती हैं यहाँ पर समीम बानो और जो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ रिजूल वगैरह हुसैन है और 1230 अंक बनते हैं। नरेनी से आती हैं सविता अनिल कुमार रिलेटिव हैं, 1320 अंक बनते हैं। इस तरह से आप लोगों को मैंने 2-3 जिलों की प्रमोशन लिस्ट दिखाई, ये वाली बांदा से थी और इनको भेजा था हमारे पास एक बहन है।